आपको पहले ट्रेनिंग दी गई थी, इस वाले से ज़रा बताइएगा। जी हमें ट्रेनिंग दी गई थी पिछले एक हफ्ते से, हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो रही है और हमें प्रॉपर टाइम दिया गया है और टीचर्स हमारे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ख़ासतौर पर फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स ने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया और काफ़ी ट्रेनिंग दी है, उसके बाद हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। हम सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट को, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमें बड़ा मज़ा आया। ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हम लोगों को थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिले और पढ़ाई का इतना स्ट्रेस होता है तो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। कि खाने पीने वाली नहीं, मतलब इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, थोड़ी सारे इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वाकई स्टडी से मैथ सिस्टम सब बोर हो चुके होते हैं, तो एक स्पोर्ट्स गाला या कोई इस टाइप का इवेंट आता है तो सभी फिर खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं और काफ़ी ये जब से रिहर्सल्स हो रही हैं तब से इन्जॉय कर रहे हैं, अब ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और अब एरोबिक्स होनी है तो सब उसके लिए वेट कर रहे हैं सारे। अच्छा, आपने किसी और गेम में भी हिस्सा लिया है? नहीं, हम लोग ने मार्च पास किया, उसके बाद हम बैठ के बस अब हम एरोबिक्स वगैरह देख रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं बेसिकली। इसे बहुत एक्साइटमेंट होती है, एक हफ्ते से इसकी रिहर्सल चल रही थी और वैसे भी रोज़ ये बोरिंग रूटीन, यूनिवर्सिटी आना, पढ़ना, फिर जाना, फिर अगले दिन, तो उसके बाद एक रिफ्रेशमेंट मिलती है, एक स्पोर्ट्स डे, एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये मेरे ख्याल से होना चाहिए, हमारे हर साल होता है, 38 ईयर से हो रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत हमारे लिए अचीवमेंट है। ये बताएं कि तालीम के साथ साथ जो खेल वगैरह, ये किस हद तक जो है एक इंसान की लाइफ में कितना रोल प्ले करता है? ये आपका फिजिकली साथ साथ मेंटली भी आपको फ्रेश रखते हैं। आप जैसे कि अभी बताया, ये बोरिंग रूटीन के बाद बाद एक अच्छा लगता है कि आप एक इतना कलरफुल इन्वायरमेंट है, इतना हेल्दी इन्वायरमेंट है, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हो रही हैं, तो ये एक अच्छा है सिंबल। जी हमारी पहले 2-3 दिन रिहर्सल हुई थी इसके लिए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे आज फाइनल डे पे परफॉर्म किया। तो कैसा लग रहा है आपको आज स्पोर्ट डे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि LCW का स्पोर्ट्स डे है तो सबको ही पता है कि कितना अच्छा होता है। आई थिंक सो यहाँ के स्टूडेंट्स ही अच्छी खूबी है। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट हैं तो वो एक अच्छी खूबी आप समझ? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि तालीम के साथ साथ ऐसी एक्टिविटी कितना रोल प्ले करती हैं इंसान के लाइफ? बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, इंसान पढ़ रहा हो तो उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ मिलती रहती हैं, मिलनी चाहिए ताकि इंसान का माइंड फ्रेश हो, उसको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। आपने नहीं, एक्चुअली हम लोग अभी यहाँ पर मार्च जो हुई थी उसके अंदर थे। आज हमने मार्च पास किया और सारा दिन बहुत मज़ा आया, ऐसी एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए और बहुत फन किया आज, बहुत अच्छा रहा सारा कुछ। अच्छा, मैं देख रहा था आपने मार्च में बड़े मनज़म तरीके से परफॉर्म किया, तो इसकी कोई खास ट्रेनिंग दी गई थी आपको पहले? जी हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस किया और काफ़ी दिनों से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। देखिए हमारे माशाल्लाह बच्चे, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है और मैं इनका जज्बा देख के हमेशा, मैं जब भी इनके किसी भी फंक्शन में आती हूँ तो देखती हूँ कि एक नई सलाहियत इनकी सामने आती है। दे आर सो क्रिएटिव, दे आर सो एनर्जेटिक और दे आर सो लुकिंग फॉरवर्ड के वो लगता है कि इनके अंदर भरपूर एनर्जी है जिसको हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनसे बच्चों को अपनी सलाहियतें मनवाने का, दिखाने का मौका मिलता है बड़े तामीरी तरीके से। अच्छा मुझे ये बताइए कि तालीम के साथ साथ जो खेल हैं वो बच्चे की लाइफ में किस हद तक जो है अपना रोल प्ले करते हैं? बहुत ज़रूरी हैं। देखें, ग्रेड खाली लेना ज़रूरी नहीं होता, एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अहमियत इसलिए है कि एक वेल ग्राउंडेड पर्सनैलिटी बनती है। जब तक वो अपनी हेल्थ को भी फोकस नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी को नहीं करते, तब तक आप मेंटली और फिजिकली फिट हो नहीं सकते। और पढ़ाई के लिए भी आपको अलर्टनेस और कंसंट्रेशन चाहिए और ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे आपके अंदर फोकस बढ़ता है। मैं पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चे अपना, अपने मुल्क को अपना घर समझो और इसके लिए जितनी भी अपनी सलाहियतें हैं उनको भरपूर तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करो ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और आप इसकी ओनरशिप लें, इस हमारे ग्रीन पासपोर्ट की भी इज्जत हो और हमारा मुल्क आगे से आगे तरक्की करे। ताकि स्पोर्ट्स डे दैट ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिट, आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग रखता है। बच्चे डांस करते हैं, जिमनास्टिक करते हैं, प्ले करते हैं एंड देन दे फन। और अगर ये वाली चीज़ें ना हो तो पढ़ाई खाली स्लगिश होती है। तो मेरे ख्याल में ये हम बचपन से खेलते आए हैं। आई लव स्विमिंग, मैं टेनिस खेलती हूँ और मैं बैडमिंटन खुद खेलती हूँ और मैंने म्यूजिकल चेयर में भी थर्ड प्राइज़ जीता है। आई एम डीन ऑफ नेचुरल साइंसेज, हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्रोफेसर हूँ और माशाल्लाह से मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। उनको कहती है कि पता क्या, वेट कम, अच्छी खुराक, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, लव पाकिस्तान, नमाज पढ़ें, दिल को साफ रखें एंड देन यू विल एंजॉय द लाइफ। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
और ये इससे जितना मूव करेंगे, जितना डांस करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना मज़ा आएगा ज़िंदगी को। और सारी जो पेन्स आपको है ना, एक मैं बात आपको बताऊँ, जितनी भी पेन्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द इमोशनल इम्बैलेंस। आपको डॉक्टर मार रहा है, आपको किल कर रहा है, एंड जब ग्राउंड में आएंगी, और बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इंडियन प्रोग्राम बंद कर दिए, और उसमें हम रेस कोर्स जाते हैं, वहाँ पे मेरा मतलब है राइडिंग करते हैं बच्चे, लव राइडिंग, बच्चे लव स्विमिंग, और माशाल्लाह से दे लव क्रिकेट। यानी आपको कहने पहले बच्चे जो घरों में बैठकर टीवी देखते, वो कम हो गया है, हमें भूल गया हूँ इंडिया क्या था रियली। मैं खुद आपको बात बताती हूँ, एंड हर सैटरडे संडे हम रेस कोर्स में वो देखते हैं, राइडिंग देखते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं, एक दिन उनको क्रिकेट खिलाते हैं, एंड एरोबिक, एंड इवन मेरा मतलब आई लव टू प्ले। थैंक यू। समझा कि ना, सारी औरतों को खेलना चाहिए, उनको एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एज इज़ नॉट फैक्टर। ओल्ड लेडीज़ को, दादी को, मामी को, माँ को, सबको सैर कराएं और उनको मोहब्बत दें, एंड दिस इज सपोर्ट।
جوش نظر آ رہے تھے اس دن کے حوالے سے، اس ذرا بتائیے جی. ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا آج کے ڈے کو، بہت مزہ آیا ہم لوگوں نے، اور اس طرح کے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیتے رہنا چاہیے تاکہ بچوں کا حوصلہ بڑھے کہ ہم لوگوں نے ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینا ہے اور اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. کہ ہمارے روبی کی چوز کیا، دوسری گیم کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے اسی میں انٹرسٹ تھا اسی لیے. اس چیز کی آپ کو کوئی پریکٹس وغیرہ بھی کروائی؟ جی جی، ہم لوگوں نے کنٹینیوسلی 3 to 4 weeks ہم لوگوں نے پریکٹس کی ہے. اینول اسپورٹس ڈے، اور آج ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت زیادہ انجوائے کیا. پورے سال میں اسٹڈیز کے بعد آج کا جو دن ہوتا ہے ہم انجوائے کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا اور بہت اچھا پرفارم کیا. ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کی تھی، 15 days سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو آج اچھا ہو گیا ہے، تو تھینک یو. کسی بھی ایکٹیویٹی کی کامیابی میں پیچھے پورا ٹیم ورک ہوتا ہے، کسی ایک بندے کی کبھی ایفرٹ نہیں ہوئی. ہمارے پورے فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھرپور اپنے ایونٹ کے حوالے سے تیاری کرائی، اور ان میں یہ جذبہ، موسٹلی اسٹوڈنٹس ہمارے فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم اپنے گھر میں لوگوں کو ایز اے گیسٹ بلاتے ہیں تو ہماری عزت اور شان کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم پوری انرجی کے ساتھ اور پورا اس کو اچھے طریقے سے نہ کر پائیں. ہر کھلاڑی اپنے آپ میں، ظاہر ہے کسی نے انٹرنیشنل لیول پہ، کسی نے نیشنل لیول پہ، کسی نے یونیورسٹی لیول پہ، اپنے اپنے طور پر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کی تھی. آج ان کی ان ایکٹیویٹیز کو چونکہ سراہنے کا دن تھا، تو ہر بندہ اپنے، جب کسی چیز کو اپریشیشن ملنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی اس میں زوم میں، میں کہوں گی، یا اپنے آنر کی خاطر وہ اپنی پہلے سے بھی زیادہ اچھا طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو طالبات جو ہیں وہ کھیلوں میں حصہ نہیں لیتی، آج کے دن آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، دیکھیں وہ سارے آڈینس میں سائڈوں پہ ٹینٹوں پہ بیٹھے تھے، پتہ نہیں ان کو کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اس میدان میں جو پرفارم کرتا ہے اس کو سب دیکھتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی چیز کو جیت کر اپنے گلے میں میڈل پہنتے ہیں تو وہی ان کا نام، وہی ان کی شان اور وہی ان کی عزت ہوتی ہے. اور ان کو بالکل ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، مختلف قسم کے جو مختلف جرائم ہو رہے ہیں ان سے بچت کا، یہ جیسے موبائل فون اور یہ وہ، اس کا ویسٹیج آف ٹائم ہے یہ، کہ آپ اپنا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، کیونکہ ہیلدی مائنڈ ہی آپ کی ہیلدی نیشن کو جنریٹ کرے گا. میں افضل ہے اور میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی اسپورٹس کی پریزیڈنٹ ہوں، اور آج میں نے اسپورٹس ڈے میں مارچ پاس میں پاکستان کا فلیگ پکڑا تھا، اور میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں نے پاکستان کا فلیگ پکڑا تھا. اور بیسیکلی میں ایتھلیٹ ہوں، اپنی یونیورسٹی کے لیے میں نے بہت سارے ایونٹس کیے ہیں، اور میں انٹرورسٹی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بہت میڈلسٹ ہوں. جی بالکل، آپ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں اسپورٹ میلے کا انعقاد تھا. یہاں طالبات نے مختلف طرح کے کھیلوں میں حصہ لیا، مختلف طرح کی گیمیں جو انہوں نے پرفارم کی، جیسے چاٹی ریس ہو گیا، دوڑ ہو گئی، اس کے علاوہ رسا کشی، اور اسپیشلی طور پر اساتذہ نے یہاں پر میوزیکل چیئر میں پرفارم کیا ہے. اور یہاں جتنے بھی طالبات جنہوں نے گیموں میں حصہ لیا، جنہوں نے ون کیا، ان کو انعامات بھی دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں طالبات آج کے دن کے حوالے سے بہت ہی پرجوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آج ہمارا جو ہے وہ اسپورٹ ڈے ہے، تو آج کے دن کا ہمیں خاصا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسی دن کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ دن آئے گا، ہم خوب انجوائے کریں گے. یہاں پر کثیر تعداد میں جو ہیں طالبات کے ساتھ اساتذہ نے بھی شرکت کی ہے، وہ یہی دیکھ رہے تھے آج اپنے بچوں کا یہ جذبہ اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ قابل دید ہے، یہی وہ طالب علم ہے جو آنے والے وقت میں اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نام روشن کریں گے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب اوان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.